सेगांव माताजी मंदिर में पुलिस ने पैसा एक्ट का आयोजन किया। इस मौके पर खरगोन एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला, प्रभारी तहसीलदार डी विस्के, उन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लोवंशी, चौकी प्रभारी अनिल जाधव, सरपंच शांतिलाल चौहान सहित पैसा एक्ट समिति के सदस्य मौजूद थे। एसडीओपी शुक्ला ने लोगों को पैसा एक्ट की विस्तार से जानकारी दी और गांव के विवाद गांव में निपटाने और लोगों में जागरूकता लाने की बात भी कही। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में सेगांव, खोलगांव, गोलवाड़ी, रेहगुन, गाटला खेड़ी, कचनारवाड़ी, जोगवाड़ा के ग्रामीण जन मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। को मार रहे हैं पुरुष, चेहरों में आप एक आंख उठा के नहीं देख सकते हो, एक आंख उठाते ही 498 बता देती है कि ये धारा है मेरे पास, यदि आपको सही चलना है तो चलो, ठीक है कि नहीं। तो ये जो चैतन्यता है, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव है, इसको भी पैसा समिति को लेके अपने गांव में करना चाहिए। हम लोग हमेशा ये आशा करते हैं कि ऊपर से कोई चीज़ ऐसी आएगी जो सब चीज़ ठीक कर देगी, ऐसा कभी नहीं होता है। नीचे से आप बीज लगाते हो, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर कपास बनता है, फिर कपास निकालते हो, फिर उसको फिर कपड़ा बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये पैसा समिति एक बीज है, इस बीज को अच्छी तरह प्रबलित कीजिए। छोटी मोटी दिक्कतें तो आएंगी कि वो फलाना आदमी दारू बेच रहा है, नहीं मान रहा है, आप हमको बोल रहे हो, हम भी उसके ऊपर केस बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसको वर्क करना करते रहो, उसमें वर्क, उसमें काम चालू रखो। गांव में कोई झगड़ा फसाद होता है उसमें बीच में कुछ, जैसे मैंने बताया था कि दो फैसले होते हैं, एक तो कोर्ट में, अगर नहीं होगा तो कोर्ट में जाएंगे वो, है ना, दोनों झगड़ेंगे, कोर्ट से न्यायालय आएगा, है ना, कोई में किसी एक के ऊपर तब तो फैसला होगा, है ना, एक आरोपी बनेगा। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा, एक पक्ष बोलेगा कि मैं तो जीत के आया हूं, क्या बोलेगा, जीत के आया, है ना, वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे कोर्ट से जीतने के बाद, क्यों नहीं करेंगे, वो अपने आप को समझता है कि मैं तो कोर्ट से जीत के आया हूं, है ना। लेकिन अगर गांव के लोगों ने फैसला किया है आपस में बैठ के, है ना, ग्रामीण और मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया, तो कभी नहीं उधर उधर मोड़ के जाएगा। इसकी एक खासियत है, क्यों दादा, है कि नहीं है? सर, एक्टर को लेकर यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा है सर? आज जो आसपास की पैसा समितियां बनी है, उनमें उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से उनके अधिकार हैं, और अभी जो नई हमारे पैसा की मोबिलाइजर को बनाया गया है, उनसे भी आज इंटरेक्शन हुआ है, उनको भी समझाइश दी गई है किस तरीके से ये काम करना है, क्योंकि सरकार की एक बहुत ही एक प्रभावशाली एक योजना है जिसमें गांव के झगड़े, गांव के फसाद, गांव की छोटी मोटी जो बातें हैं उनका निदान गांव में ही हो जाए, जिससे कि गाँववासी अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। ये सरकार की सोच है और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा समिति को एक्टिव करने के लिए आज ये सम्मेलन बुलाया गया था। लोगों से विचार आमंत्रित किए गए, लोगों के विचार सुने गए और हमें अपनी, हमने किस तरह इसको क्रियान्वित करना है ये भी उनको बताया गया। पैसा एक्ट समिति की पुलिस कहाँ तक मदद करेगी सर? देखिए, पैसा एक्ट के बारे में उसमें स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि गाँव में जो भी छोटे मोटे झगड़े होंगे उसमें पैसा समिति राजीनामा करवा सकती है। जितनी भी FIR होंगी उनकी सूचना हम पैसा एक्ट के सचिव को और उनके अध्यक्ष को देंगे। साथ ही गांव में जो भी निर्णय लेना है, गांव में शराब के बारे में निर्णय लेना है या अन्य जो निर्णय लेना है वो भी गांववासी लेंगे। गांव में यदि कोई चीज़ को वो चाहते हैं कि कौन किसके ऊपर कार्रवाई की जाए, किसके कौन आदमी गलत चल रहा है, उसमें भी हम उनकी सलाह लेंगे। इस तरह पैसा समिति एक बहुत ही पावरफुल समिति है, बस इसमें दिक्कत यही है कि वो नियमित रूप से अपनी बैठक करते रहें और पुलिस से इंटरेक्शन रखें, तब जाके ये जो है अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।